हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर इजी। मैं हूं रचना और मैं बनाने जा रही हूं टेस्टी और हेल्दी मिक्स वेजिटेबल पोहा। मिक्स वेजिटेबल पोहा बनाने में बहुत इजी है, ये लो कैलोरी फूड है और झटपट तैयार हो जाता है। आप इसे ब्रेकफास्ट या इवनिंग टाइम स्नैक में बना सकते हैं और चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। तो चलिए मिक्स वेज पोहा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 150 ग्राम पोहा लीजिए। पोहा ना ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना पतला, बस मीडियम साइज का। फिर इसे एक चलनी में डालकर, चलनी को एक बाउल पर रखकर पानी से इस तरह धो लीजिए। इससे पोहे सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे सिंक में भी धो सकते हैं। जब पोहे अच्छे से धुल जाएं, तो उन्हें 15 मिनट के लिए रख दीजिए और आइए तब तक पोहे का मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक पैन में 4-5 चम्मच तेल की डालिए, फिर उसमें मूंगफली भून लीजिए। मूंगफली आपको लगभग 50 ग्राम या आधा कप लेनी है। गैस का फ्लेम लो ही रखें। मूंगफली को भूनने में लगभग 2 मिनट लगेंगे। भुन जाने पर मूंगफली ऐसे फटने लगती है। मूंगफली भुन गई है, इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, इसे हम बाद में काम लेंगे। अब इसी पैन में एक मीडियम साइज का छोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ आलू फ्राई कर लेते हैं। आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गैस का फ्लेम लो ही रखें, नहीं तो आलू बाहर से तो ब्राउन दिखने लगेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर ऑयल थोड़ा कम लग रहा हो तो आलू फ्राई करने के लिए थोड़ा और ऑयल डाल लीजिए। मैं भी थोड़ा ऐड कर लेती हूँ, बाद में हम इस एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे। आलू अच्छे से तल गए हैं, उन्हें निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल मुझे लग नहीं रहा, इसीलिए इस पैन में ही राई के दाने लगभग आधी छोटी चम्मच डालकर तड़काइए और फिर इसमें थोड़े से करी पत्ते, जिन्हें हम मीठा नीम भी कहते हैं, 3/4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डालकर चलाइए। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक पकाना है। इसमें करीबन 1 मिनट लगेगा। प्याज पक गए हैं, अब इसमें आधी मीडियम साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप उबले हुए या फ्रोजन मटर, आधी मीडियम साइज की घिसी हुई गाजर, नमक आपके स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और फिर इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू, भीगे हुए पोहे और मूंगफली डाल दीजिए और एक बार फिर से मिलाइए। अब इसे ढक्कन से ढककर लगभग 2 मिनट के लिए पकने दीजिए। गैस का फ्लेम लो ही रखिए। अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और आधे नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लीजिए। अगर आप नींबू ज्यादा पसंद करते हो तो 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को पोहे में हल्का मीठा पसंद होता है, तो ऐसे में जब हल्दी और नमक डाला
तभी इसमें आधा चम्मच चीनी भी डाली जा सकती है। गर्मा गर्म पोहे तैयार हैं। इन्हें बारीक कटी हरी धनिया पत्ती से सजाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। सर्व करते टाइम आप इन पर आलू भुजिया या सेव भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल पोहा तैयार है। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं और चाहे तो कोई वेजिटेबल हटा भी सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रेजी फॉर इजी।